टेक्नोलॉजी के इस कार्यक्रम द वर्ल्ड ऑफ नैनो में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ में हमारा यानी मैम्बो बैम्बो का भी नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में हम बच्चों के लिए और उनकी मम्मियों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लेकर आए हैं। अब आपके बच्चे चाहे कितनी भी आइसक्रीम खाए और उसे अपने कपड़ों पर गिराए या तो फिर धूल कीचड़ मिट्टी में खेलकर अपने कपड़ों को गंदा करें, मम्मियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजिस्ट अब ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश में है जो ना तो कभी मैले होंगे और ना ही उन पे कभी दाग धब्बे लगेंगे। यानी माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे ऐसे कपड़ों के बारे में जो बटन दबाते ही बुलेट प्रूफ बन जाए, और साथ ही बताएंगे एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी कैसे समा सकेगी एक छोटे से क्रिस्टल बॉल में। वाओ, मगर क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, और ये मुमकिन है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम पदार्थ को छोटा करते हुए नैनो स्तर तक ले जाते हैं, उससे कई नई नई किस्म की चीजें बनाते हैं। नैनो आकार इतना छोटा होता है कि हजारों नैनो कणों को एक साथ रखने के बावजूद हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे अलग तरीके से भी समझा जा सकता है। क्या आप जानते हैं हमारा नाखून एक सेकंड में कितना बढ़ता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, लगभग एक नैनोमीटर जितना। एक सेकंड में एक नैनोमीटर, तो एक मिनट में 60 नैनोमीटर, एक घंटे में 3600 नैनोमीटर, 24 घंटे में 86400 नैनोमीटर और एक हफ्ते में 604800 नैनोमीटर। यानी एक हफ्ते में एक मिलीमीटर का भी दो तिहाई भाग। इतना छोटा? हाँ, एकदम अलख। अलख निरंजन? अलख निरंजन नहीं, सिर्फ अलख। अलख का मतलब है इतना छोटा जो आंख से दिखाई ना दे। और निरंजन? निरंजन का मतलब है इतना विशाल कि आंखों में ना समाए। नैनोमीटर अलख का पैमाना है, यानी सूक्ष्मतम आकार का पैमाना है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 0.1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शामिल है, परंतु शर्त ये है कि इस स्तर पर पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव आना चाहिए, अन्यथा ये नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है। यही नियम माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी में भी लागू होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम आज टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच की प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही प्रयत्न करेंगे नैनो मटेरियल को समझने का। ये तो आप जान ही चुके हैं कि एक नैनोमीटर का मतलब है एक मीटर का खरबवां भाग। ये सूक्ष्म कण ही नैनो मटेरियल है। पिछले 25 वर्षों में हम कंप्यूटर चिप्स का आकार छोटे से छोटा बनाते जा रहे, और इतना ही नहीं, हर 18 महीनों में उसकी क्षमता दुगनी करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे इस प्रयोग की भी एक सीमा है। बहुत ही जल्द हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां से हमारी राह खत्म हो जाती है। तब नैनो टेक्नोलॉजिस्टों का विचार है कि यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें कुदरत में व्याप्त नैनो टेक्नोलॉजी को समझना होगा। नैनो स्केल पर पदार्थ किस तरह कार्य करता है ये कुदरत के नमूनों को देखकर ही जाना जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल्स और डिवाइसेस को एक नए ढंग से नैनो स्केल पर बनाने की नई विधि है। ये नैनो मटेरियल्स किसी कंट्रोल तरीके से नहीं बनाए गए थे। मेसोपोटामिया में सिरामिक प्लेट्स पर कॉपर पार्टिकल्स को यूज करके गोल्ड कलर को लाना इसकी एक उदाहरण है। इसी तरह शीशे में गोल्ड पार्टिकल्स को डिस्पर्स करके अलग अलग तरह के रंग पैदा करना भी इतिहास में नैनो मटेरियल्स की एप्लीकेशन की दूसरी उदाहरण है। नेचर में भी नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की कई अद्भुत उदाहरणें देखने को मिलती हैं। कमल का फूल किस तरह अपने आप को साफ व सुरक्षित रख सकता है भी इसी नैनो टेक्नोलॉजी की एक उदाहरण है।
कुदरत स्वयं ही बहुत बड़ी नैनो टेक्नोलॉजिस्ट है। आपने एब्लॉन यानी कि समुद्री सीपी को तो देखा ही होगा, क्या आप जानते हैं ये अपना खोल या शंख कैसे बनाता है? एबलोन के खोल या शंख कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं, मगर ये खोल कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। एबलोन के द्वारा अपना खोल या कवच बनाने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है। एबलोन अपने भीतर बनने वाली कुदरती प्रोटीन को समुद्र प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट में मिलाकर एक नए पदार्थ की रचना करता है। फिर इस पदार्थ की बारीक परत बनाते हुए एक पर एक परत द परत जमाता चला जाता है। इस तरह से खोल बनता है। एक मजबूत पूरा खोल बनने के लिए लगभग 15 साल लग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि एबलोन इस जटिल निर्माण कार्य को साधारण टेम्परेचर और प्रेशर के बीच कुशलता से निभाता है। एबलोन की इसी कारीगरी को नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलने के लिए नैनो टेक्नोलॉजिस्टों ने वायरसेस की इन्हीं खूबियों को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। इसे बैक्टीरिया फेजेस के नाम से जाना जाता है। ये वायरसेस के जेनेटिकली इंजीनियर होने या स्वतः वृद्धि करने के गुण का परिचायक है। लाखों की संख्या के ये वायरसेस जब आपस में मिलाए जाते हैं तो ये अत्यंत तीव्रता से दूनी चौगुनी गति से बढ़ते हुए एक नए पदार्थ के रूप में स्वयं को क्रमबद्ध ढंग से जमाते चले जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजिस्टों ने जब इन अनुशासित और हानि रहित वायरसेस को सेमीकंडक्टर पार्टिकल से जोड़ने का प्रयास किया तो पाया कि ये वायरसेस नैनो स्केल निर्माण कार्य में मजदूरों की तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं और नए नए इलेक्ट्रॉनिक तथा मैग्नेटिक पदार्थों की रचना कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया फेजेस इतनी त्वरित गति से बढ़ते हैं कि आज हमारे नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हर तीसरे सप्ताह एक नए मटेरियल की रचना करने में सक्षम हैं। ये नए मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और औषधि निर्माण क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। छोटे बच्चे किसे पसंद नहीं आते, लेकिन तब बड़ा गुस्सा आता है जब वो धूल मिट्टी में खेलकर अपने अच्छे खासे कपड़ों का सत्यानाश कर लेते और फिर बेचारी मम्मियां ये कह के रह जाती है कि हे भगवान, मैं इन शैतानों का क्या करूं। आप अपने शैतानों को सुधार पाएंगी या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हमारे नैनो टेक्नोलॉजिस्ट कपड़ों की क्वालिटी में अनोखे ढंग से सुधार लाने वाले हैं। यानी कि अब वो ऐसे कपड़े बनाएंगे जो ना तो कभी मैले होंगे और ना ही कभी उनमें दाग धब्बे लगेंगे। क्यों, है ना मम्मियों के लिए खुशखबरी? जी हाँ, ये सच है। नैनो वैज्ञानिकों ने ऐसे बारीक बाल यानी नैनो विस्कस बनाने में कामयाबी पाई है जो कपड़ों को दाग धब्बों से बचाए रखेंगे। दाग बनाने वाला तरल पदार्थ इन पर गिरते ही बारीक बूंदों में बदलकर उसी तरह नीचे लुढ़क आएगा जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा पानी मोतियों की तरह बाहर लुढ़क आता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आड़ू के छिलके की सतह पर बारीक रोए यानी कि नैनो विस्कर्स उगे होते हैं। ये पानी को छिलके की सतह तक पहुंचने ही नहीं देते, ऊपर से ही बाहर कर देते हैं। ये नैनो विस्कर्स बेहद लचीले बनाए जाते हैं, फिर इन्हें सूत के साथ मिलाया जाता है। इसके लिए पानी के एक टब में लाखों करोड़ों नैनो विस्कर्स छोड़ दिए जाते हैं, फिर इसमें सूत यानी कॉटन को डुबाया जाता है। भली प्रकार मिल जाने के बाद गीले कॉटन को गर्म करके सुखाया जाता है। इससे नैनो विस्कर्स सूत के रेशों में मिलकर एकाकार हो जाते हैं और धोने या रगड़ने से अलग नहीं होते। बस नई खूबियों वाला स्टेन प्रूफ कपड़ा तैयार। इसमें दाग या धब्बे कभी नहीं पड़ेंगे। मजे की बात यह है कि ये कपड़े दिखने में सामान्य कपड़ों की तरह ही होंगे। आम स्टेन प्रूफ कपड़ों में स्टेन प्रूफ मटेरियल की तह लगी होती है जिससे कि ये कपड़े खुरदरे और कड़े हो जाते हैं, लेकिन इन कपड़ों में ये बात नहीं होगी। इन नए नैनो वस्त्रों में लगे नैनो विस्कर्स लगभग अदृश्य होंगे। इन्हें देखकर या छूकर आप इनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। और आजकल तो जीन्स और खाकी कपड़ों में इन नैनो विस्कर्स का इस्तेमाल होने भी लगा है। भाई, ये स्टेन प्रूफ कपड़े तो वाकई कमाल के होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से और भी कई कमाल की विशेषताएं आ जाएंगी कपड़ों में। नैनो टेक्नोलॉजी से बने कपड़े ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सुंदर होंगे। इनके रंग ज्यादा चमकदार और आकर्षक होंगे।
और अब तो नैनो टेक्नोलॉजी सैनिकों के लिए भी खास तरह की यूनिफॉर्म बनाने जा रही है। अच्छा, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसी जैकेट्स जो किसी भी बंदूक, राइफल या पिस्तौल की गोली को बाहर ही रोक दे, शरीर के अंदर घुसने ना दे। अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश में है जो दिखने में तो सामान्य हो लेकिन जरूरत पड़ने पे बुलेट प्रूफ कपड़े बन जाए। क्यों, है ना कमाल की बात। भविष्य के सैनिक ऐसी यूनिफॉर्म पहन सकेंगे जो एक बटन दबाते ही बुलेट प्रूफ यूनिफॉर्म में बदल जाएगी। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तैलीय द्रव लिया जो लोहे के सूक्ष्म कणों से भरपूर हो और जिसमें चुंबकीय गुण हो। ये विशिष्ट पदार्थ मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड कहलाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ने पर इनमें गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है, यानी द्रव ठोस में बदल जाता है। कॉर्न सिरप या सिलिकॉन ऑयल में लोहे के अत्यंत बारीक कण घोले जाते हैं ताकि इनमें जंग न लगे। ये घोल काफी गाढ़ा रखा जाता है ताकि बहे नहीं। कमल के फूल का सरफेस एक वैक्स टाइप के केमिकल से बना होता है जिसमें कि एक डबल स्ट्रक्चर होती है। इस डबल स्ट्रक्चर में माइक्रोन और नैनो स्केल फीचर्स होते हैं। ये कमल के फूल का सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी एक लोटस इफेक्ट के कारण है और ये लोटस इफेक्ट के सरफेस लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं। लोटस इफेक्ट से बने हुए वस्त्र जो जिनमें सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी कि वो गंदे नहीं होंगे। लोटस इफेक्ट से बने हुए कंटेनर, लोटस इफेक्ट से बने हुए कार के विंडशील्ड, लोटस इफेक्ट के से बने हुए फर्नीचर, लोटस इफेक्ट से बने हुई टाइल्स बाजार में इस समय उपलब्ध हैं। नेचर किस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए एक मॉडल का काम कर सकता है, लोटस इफेक्ट इसका एक सुंदर उदाहरण है। पहुंचने के बाद पदार्थ असामान्य व्यवहार करने लगता है। ये बात द्रव पदार्थ के लिए भी लागू होती है। इनका भी व्यवहार बदल जाता है। जब हम मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें मौजूद लोहे के कण मैग्नेटिक फील्ड के साथ पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे के साथ जमने लगते हैं और वनस्पति घी की तरह सख्त या कठोर हो जाते हैं। ये परिवर्तन एक सेकेंड के 20,000वें भाग में ही घटित हो जाता है। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को बार बार लगाते हटाते रहें तो ये पदार्थ भी बार बार ठोस से द्रव और द्रव से ठोस बनता रहेगा। परिवर्तित होने वाले गुणों वाला यही पदार्थ बुलेट प्रूफ ड्रेस बनाने में प्रयुक्त किया जाएगा। वास्तव में बुलेट प्रूफ ड्रेस का कपड़ा भी साधारण कॉटन ही है जिसे मैग्नेटिक फ्लूइड में डुबा कर विशिष्ट गुणों से संपन्न कर लिया जाता है। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड से नहीं जुड़ता तब तक ये कपड़ा नरम और मुलायम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ते ही ये कपड़ा कठोर और सख्त बनते जाता है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड शक्तिशाली बनते जाता है वैसे वैसे कपड़े की कठोरता और सख्ती भी बढ़ती जाती है। फाइनली ये कपड़ा इतना कठोर और सख्त बन जाता है कि किसी भी राइफल या पिस्तौल की गोली इस कपड़े को छेद नहीं पाती। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि माइक्रोमैग्नेट और कपड़ा संयुक्त रूप से समान सख्त नहीं हो जाते। बुलेट प्रूफ जैकेट तो बढ़िया चीज है, मगर मुझे इसमें एक परेशानी भी दिखाई दे रही है। वो क्या? इस नैनो जैकेट को साधारण जैकेट से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए एक स्विच दबाना पड़ेगा, है ना? हाँ, दबाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें जेब में एक स्विच बोर्ड लेकर चलना होगा। अरे नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी। देखो, ड्रेस में बटन होते हैं, है कि नहीं? हाँ। नैनो ड्रेस के बटन खास तरह के होंगे। ये ड्रेस की खूबी में बदलाव लाने वाले स्विच भी होंगे। साधारण ड्रेस को ये बुलेट प्रूफ बनाएंगे और बुलेट प्रूफ को साधारण ड्रेस भी, समझे? क्या लंबी चौड़ी लाइब्रेरी एक सुई की नोक बराबर की जगह में समा सकती है? नहीं ना,
लेकिन हमारे नैनो साइंटिस्ट इस नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहे हैं। क्रिस्टल के प्रयोग से अब एक ऐसा डिजाइनर मटेरियल बनाया जा रहा है जो एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देगा। ये टेक्नोलॉजी संचार क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होगा। ये नया पदार्थ दो चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में एक मैग्नेटिक और एक सेमीकंडक्टिंग मॉलिक्यूल जोड़कर एक सूक्ष्म क्रिस्टल कण बनाया जाएगा। ये क्रिस्टल कण इतने छोटे होंगे कि सुई की नोक बराबर जगह में भी लाखों करोड़ों की तादाद में समा जाएं। दूसरे चरण में दो भिन्न प्रकार के क्रिस्टल कणों को मिलाया जाएगा। क्योंकि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल कण एकदम समान आकार के होंगे, इसलिए मिलाए जाने पर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में विकसित होने लगेंगे और तत्काल एक ठोस और व्यवस्थित ढांचे का रूप लेने लगेंगे। वैज्ञानिकों ने इस ढांचे की तुलना पूल रैक में रखी बिलियर्ड बॉल्स के रूप में की है। जब इन गेंदों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाएगा तो ये आपस में जुड़कर एक विशिष्ट आकार बना लेंगे। यदि इनकी एक तह पे दूसरी तह रखी जाए तो बीच में छोटी छोटी जगह छूट जाएगी जो छोटे छोटे गेंदों से भरी जा सकती है। सुपर क्रिस्टल के संयुक्त होने की विशेषता के लिए आवश्यक है कि इसके हर कंपोनेंट का क्रिस्टल साइज पूर्व निर्धारित हो। बढ़ते हुए क्रिस्टल साइज पर नियंत्रण ही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विभिन्न प्रकार की रासायनिक विधियों के प्रयोग और तापमान नियंत्रण द्वारा एकदम समान प्रकार के नैनो क्रिस्टल तैयार किए जा सकते हैं। प्रथम के लिए पूरक गुणों वाले विभिन्न प्रकार के मिक्स्ड क्रिस्टल कंपोनेंट्स प्रयुक्त होते हैं। बड़े आकार के नैनो क्रिस्टल्स मैग्नेटिक आयन ऑक्साइड से बनते हैं और छोटे आकार वाले सेमीकंडक्टिंग लेड सेलेनाइड या क्वांटम डॉट्स हैं। प्रथम प्रकार के सुपर क्रिस्टल में हर मैग्नेटिक क्रिस्टल के 13 क्वांटम डॉट्स होते हैं। अगर हमें अलग अलग खूबियों वाले चीजों की जरूरत है तो कंबाइंड पार्टिकल्स में छोटे या बड़े आकार के नैनो क्रिस्टल्स लगाने होंगे। वैज्ञानिकों ने ऐसे सुपर क्रिस्टल्स बनाए हैं जो 1:1 मिक्सचर के काफी निकट हैं। क्वांटम डॉट्स नैनो क्रिस्टल्स में आयन ऑक्साइड नैनो क्रिस्टल्स का मैग्नेटिक फील्ड जोड़े जाने पर सुपर क्रिस्टल में एक विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। हम एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड प्रयुक्त करके दूसरे पदार्थ में आने वाले ऑप्टिकल रिस्पॉन्स के परिवर्तन को देख सकते हैं। ये नई तकनीक हमारे लिए मनचाही खूबियों वाले तैयार उपकरणों की संभावनाओं के द्वार खोल देगी। वैज्ञानिक अब एक लाइब्रेरी विकसित करने की बातें कह रहे हैं जहां हम एक साइज का एक और दूसरे साइज का दूसरा पार्टिकल लेकर उन्हें साथ में जोड़ सकते हैं। एक बात तो साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम इतिहास की सभी जानकारियों को इन माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स में संजो कर रख सकेंगे और ये सब होगा नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत। अपने अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रोफेसर ज्ञानी से जो हमें देंगे अलग अलग विषयों पर नई नई जानकारियाँ। तुम्हें पता है इस लाइब्रेरी की सभी किताबों का सारा टेक्स्ट इन 10 सीरीज में लिखा जा सकता है? है ना आश्चर्यजनक? हाँ, करीब 20,000 किताबों की पूरी डिटेल इन थोड़ी सी सीडी रोम्स में। देखा किस तरह सारे गाने और चित्र एक ही सीडी में आ जाते हैं। सोचो, हमारे पास एक अंडे रखने की बड़ी ट्रे है जिसमें सभी तरह के बड़े छोटे अंडे हैं और उन पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर लिखे हैं और उनमें से हम निकालते हैं जी वाई ए एन और आए। अब इनको जोड़ते हैं तो बताओ क्या बनता है? बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम ज्ञानी। एक सीडी जिसकी सतह कभी समतल नहीं होती, बिल्कुल अंडे रखने की बड़ी ट्रे की तरह, जैसे कि एक 12 सेंटीमीटर की सीडी पर 1,00,000 सूक्ष्म छेद, बारीक खड्डे और कहीं कहीं समतल सतह होती है। कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही बारीक, हमारे बाल से भी पतली लेजर टॉर्च होती है। हाँ, इतनी छोटी। जब उसकी लाइट सीडी पर गिरती है तो उसका प्रतिबिंब कंप्यूटर के दिमाग पर गिरता है, उसको हम फोटोसेंसिटिव सेल कहते हैं। फिर कंप्यूटर का दिमाग सीडी की उबड़ खाबड़ सतह पर से डाटा कलेक्ट कर एक और शून्य के रूप में पढ़ता है और उसे संगीत, चित्र और शब्दों में बदल देता है। चलो मैं तुम्हें एक और आसान सी मिसाल देता हूँ। सोचो कि तुम एक बंद डार्क रूम में हो और तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है, फिर तुम्हें दुनिया के नक्शे पर 7 अजूबों को ढूंढने को कहा जाए तो क्या करोगे? सही, टॉर्च जलाकर
दुनिया के नक्शे में उनको खोजोगे और दिमाग उनको पहचान लेगा। बहुत खूब, ये रहा ताजमहल, एफएल टावर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरे बहुत से मजेदार है ना। कीप वंडरिंग, अगली बार मैं तुम्हें और भी मजेदार बातें बताऊंगा। अब समय है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 4 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं: अमरीश अभंगे सोलापुर महाराष्ट्र से, पूर्णानंद सागर मध्य प्रदेश से, बिमलेश्वर पटेल सुंदरगढ़ उड़ीसा से, विजय वसंतराव धांडे विदर्भ महाराष्ट्र से और चिन्मय गौर नागपुर महाराष्ट्र से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, नैनो तकनीक से बने ऐसे बारीक बालों को क्या कहते हैं जो कपड़ों को दाग धब्बों से बचाते हैं? ए नैनो वायर्स, बी नैनो विस्कर्स या सी नैनो फाइबर्स। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। इन्हीं शब्दों से मैं इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ, लेकिन फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा भी नमस्ते। अगले हफ्ते हम भी फिर आएंगे। अपने अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर जैसे खतरनाक रोग से लोगों को बचाने के लिए क्या भूमिका निभाने जा रही है।